आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मटर पनीर की एक ऐसी रेसिपी जिसको खाने के बाद आप उंगलियाँ चाट जाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट को आपने इस तरह से मटर पनीर की सब्ज़ी बना के खिलाई तो ज़रूर आपसे ये वो रेसिपी पूछेंगे कि आपने इस रेसिपी को, इस मटर पनीर को किस तरह से तैयार किया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 250 ग्राम पनीर और इस पनीर को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट कर लिया है। आप चाहे तो इस पनीर को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे मसालों में लिया हुआ है 1 इंच अदरक और साथ ही में मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से धुल के कट कर लिया है और यहाँ पे 1 गांठ लहसुन को मैंने इस तरीके से छील के रख लिया है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर आपके पास में बड़े टमाटर हैं तो आप 2 लीजिए और अगर खट्टे हैं तो मीडियम साइज़ के आप 2 टमाटर ले सकते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं फ्रेश मटर। आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है तो मार्केट में फ्रेश मटर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद में खड़े मसालों में मैंने लिया हुआ है यहाँ पे दालचीनी के 2 टुकड़े, कर्णफूल और साथ में मैंने ली हुई है 2 तेज़पत्ते और इसी के साथ में कुछ काली मिर्च। इन सभी खड़े मसालों को हम रखते हैं साइड में। इसके बाद में जो हमने टमाटर साइड में निकाल के रखे हुए थे उन टमाटरों की बना ली है मैंने प्योरी, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, अगर आपके टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं हैं तो आप 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। अगर खट्टे हैं तो आप कोशिश करें 2 टमाटर ही लें, बहुत ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी हो जाएगी तो पनीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसके बाद में प्यूरी तो मैंने बना के रेडी कर ली और इसी के साथ में जो अदरक लहसुन और प्याज जो था उसको भी पीस के मैंने एक पेस्ट की तरह इसको तैयार कर लिया है। इसके बाद में हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। इन मसालों को हम पहले से ही भिगा के साइड में रख लेंगे क्योंकि भीगे हुए जो मसाले होते हैं ना इनका टेस्ट काफ़ी सब्ज़ी में अच्छा आता है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला, 1 से 1.5 चम्मच करीब मैंने यहाँ पे सब्ज़ी मसाला लिया है। और इसी के साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हल्दी पाउडर और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अगर आप कश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, तीखा डालना चाहते हैं तो आप रेगुलर वाला भी डाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ी कम मात्रा में। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है गरम मसाला और बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है शाही पनीर मसाला। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को हमें इस तरीके से कर लेना है मिक्स ताकि जो हमारे मसाले हैं पानी में अच्छे तरीके से फूल जाएँ। ये देखिए मसालों को हमें अच्छे से भिगा लेना है और अच्छे से भिगाने के बाद में इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे मसाले अच्छे से फूल जाएं और जब हम इसको सब्ज़ी में डालें तो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाए। चलिए, हमारे मसाले तो हो गए हैं रेडी, बस हमें पनीर में इतना ही मसाला डालना है, इसके अलावा हम किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इन्हीं सब मसालों के साथ में हमारी सब्ज़ी बनेगी एकदम परफेक्ट। इसके बाद में मैंने एक गैस पर चढ़ाई है कढ़ाई और इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। आप जो भी ऑयल खाते हैं, सरसों का या रिफाइंड ऑयल, आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। इसके बाद में तेल के गर्म होते ही यहाँ पे मैंने डाल दी है पनीर और पनीर को करीब हमें भूनना है 2 से 3 मिनट तक की। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को एकदम लो रखें और ये ध्यान रखें कि पनीर हमारी जलने नहीं पाए। पनीर को भूनने से क्या होगा, जो पनीर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि पनीर हमारी जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी पनीर का जो टेस्ट होगा पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा और खाने में ये एकदम रबर जैसी लगेगी। क्योंकि जो भी होटल रेस्टोरेंट में हम खाते हैं पनीर, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो बस इतना समझ लीजिए कि आपको पनीर को डालना है और 2 मिनट से कम टाइम में आप इसको तुरंत निकाल लेना है। जैसे कि मैंने तुरंत डाला और तुरंत ही मैंने इसको करीब 2 मिनट के बाद में निकाल लिया और पनीर हमारी हल्की सी रोस्ट हो चुकी है, ज़्यादा रोस्ट हमें नहीं करना है। इसके बाद में जो कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ था उसी ऑयल में मैंने जो खड़े मसाले साइड में निकाल के रखे हुए थे जिसमें कि दालचीनी, कर्णफूल, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि तेल हमारा पहले से ही गर्म है और तेल हमारा सफिशेंट था, इसलिए हमें इसमें और तेल ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सभी खड़े मसालों को हम इस तरह से भून लेंगे। इसके बाद में
हम यहाँ पे डालेंगे अपना लहसुन प्याज अदरक वाला पेस्ट। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आप इसी तरीके से अगर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी एकदम बनेगी परफेक्ट, और कोई भी खा के ये बता नहीं पाएगा कि ये आपने सब्ज़ी घर पे तैयार की है। इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनने वाली है। बस आप एक एक स्टेप को वैसे ही फॉलो करिए जैसे मैं इसको बना रही हूँ। इस मसाले को करीब 2 से 3 मिनट तक ही हमें अच्छे से भूनना है। 2 से 3 मिनट के भूनने के बाद में जो हमने मसाला साइड में निकाल के भिगा के रखा हुआ था, उस मसाले को हम इसमें डाल देंगे, ताकि प्याज लहसुन के साथ में ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए। अच्छा, मटर पनीर की सब्ज़ी में या कोई भी सब्ज़ी हम बनाएं, सारा खेल हमारे मसालों का होता है। जितनी अच्छी तरीके से हम मसाला डालेंगे और जितनी अच्छी तरीके से हम मसाले को भूनेंगे, हमारी सब्ज़ी का स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि खाना तो एक पेशेंस से बनाया जाता है, और खाना आप जितने पेशेंस के साथ में, जितने धैर्य के साथ में बनाएंगे ना, उसका स्वाद उतना ही निखर के आएगा। अच्छा चलिए, बातें तो हो गई। इसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपनी टमाटो प्यूरी। मसाले को करीब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में मैंने डाली है यहाँ पे टमाटो प्यूरी, और इसको भी कर लेंगे हम इसमें अच्छे से मिक्स। और इसको भी भूनना है हमें करीब 3 से 4 मिनट तक की लो फ्लेम पे। उसके बाद में 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला हुआ है भुना जीरा। अगर आपके पास में भुना जीरा पहले से नहीं है, तो आप नॉर्मल जीरा भी पाउडर वाला डाल सकते हैं। अगर आपके पास लेकिन भुना हुआ जीरा अगर है, तो आप उसको ज़रूर ऐड करें, इससे सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए, करीब 4 से 5 मिनट मसाले भुनने के बाद में हमारे मसाले का कलर चेंज हो गया है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। इस तरीके से मैंने क्रश कर ली हाथ से। कस्तूरी मेथी का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको ज़रूर ऐड करें। करीब 4 से 5 मिनट मसाले हमारे अच्छे से भुनने के बाद में ये देखिए, साइड साइड में हमारा तेल रिलीज़ हो गया है, और मसाले भी कितनी अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे अपने मटर, जो कि हमारी फ्रेश ताज़ी मटर है ना, उस मटर को हम डालेंगे। अगर आपके पास में ताज़ी मटर नहीं है, तो आप फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं। मसालों में मटर को डालने के बाद में हम इन सभी चीज़ों को कर लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी पहले से दिखने में कितनी ज़्यादा लजीज लग रही है। इसके बाद में जो हमने पनीर हल्की सी फ्राई करके रखी हुई थी ना, उस पनीर को हम इसमें डाल देंगे, और एक बार इन सभी चीज़ों को हम फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, देखा आपने, इसमें ना ही हमने कोई बेसन का इस्तेमाल किया और ना ही काजू का इस्तेमाल किया, फिर भी हमारी जो ग्रेवी है कितनी ज़्यादा थिक है, एकदम होटल रेस्टोरेंट जैसी एकदम ग्रेवी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, देख पा रहे हैं कितनी गाढ़ी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हुई है। बस इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे एक बार मिक्स। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ पे करीब 1 गिलास पानी डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जो मटर पनीर की सब्ज़ी होती है होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, वो काफ़ी थिक होती है, तो इसलिए कोशिश आप यही करें कि पानी आप थोड़ा सा कम ही डालें। इसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद करीब 4 से 5 मिनट तक की ढककर हम इसको इस तरीके से पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद में एक बार हम अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन के है एकदम तैयार। क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो लीजिए, रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्ज़ी बनके है तैयार। और देखा आपने, इस सब्ज़ी को हमने कितनी आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ में बना के तैयार किया है। इस सब्ज़ी को बनाने में ना ही हमने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल किया, ना ही बादाम का इस्तेमाल किया, और ना ही बेसन का इस्तेमाल किया, फिर भी हमारी ग्रेवी कितनी ज़्यादा थिक और रिच लग रही है। और इस सब्ज़ी को आप तैयार कर सकते हैं बिना किसी बहुत ही ज़्यादा मेहनत के, फटाफट घर में बहुत ही कम सामान के साथ में। मार्केट से लाने की आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मार्केट से पनीर लाइए और किचन में फटाफट बना के रेडी करिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।